रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राफ्ट निर्माण का कार्य अक्टूबर माह से शुरू हो गया था, लेकिन तापमान न मिलने के कारण कार्य को रोक दिया गया था। लेकिन इस बीच कुछ हिस्सों में किए गए ढलाई के कार्य में सूखने के बाद दरारें आने से कार्य में कुछ आंशिक बदलाव किया गया। वहीं इस बीच तापमान भी औसतन सही होते ही कार्य को शुरू कर दिया गया है और इस राफ्ट निर्माण में 9x9 फुट के 2 ब्लॉक की भराई पूरा कर लिया गया है। वहीं श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। सितंबर माह में मंदिर के लिए 40 फुट गहरे नींव की भराई का कार्य पूरा कर लिया गया था। वहीं अब राफ्ट निर्माण की प्रक्रिया भी नवंबर में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि दिसंबर माह से मंदिर के फर्श के लिए प्लिंथ का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राफ्ट निर्माण में कुछ खामियां पाई गई थी जिस पर इंजीनियरों ने मंथन किया। चंपत राय ने कहा कि दिल्ली में आयोजित बैठक में इस बात पर अध्ययन किया गया, जिसके बाद निर्णय हुआ कि उसी क्षेत्रफल में बनाने वाले राफ्ट को अब 27 फुट के स्थान पर 9x9 फुट के ब्लॉक बनाए जाएंगे, जिसके आधार पर यह कार्य प्रारंभ हो गया है। प्लिंथ अभी शुरू नहीं हुई, हो सकता है दिसंबर में प्लिंथ का काम शुरू करें। अभी निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है, एक तिहाई हो गया होगा। क्या ब्लॉकों की संख्या बढ़ा दी गई? वो तो एक ही बात है, क्षेत्रफल थोड़ी बढ़ा, क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है। केवल एक दिन में जितना टुकड़ा ढाला जाता था अब थोड़ा कम ढालेंगे, 27 मीटर ढालते थे अब 9 मीटर ढालेंगे। क्षेत्रफल ना घटा है ना बढ़ा है, जी जी टुकड़े बढ़ गए। ये मानस इतना ही अंतर, ये पौराणिक कुआं है, अयोध्या की जनता श्रद्धा से वहाँ का जल लेती है, पूजा में इस्तेमाल करती है, उसका संरक्षण किया जा रहा है।